Let's do question number 8 of exercise 5A, that is arithmetic progression. Question number 8 is, how many terms are there in the AP? Kitni terms hai is AP mein, ye batana hai. 41, 38, 35, dash, 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 8. Chaliye likh lete hain. Hamari AP de rakhi hai hume, 8th question mein. AP kya de rakhi hai? AP de rakhi hai 41, 38, 35, डैश 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 8 तक दे रखी है एपी. अब हमें कितनी टर्म्स हैं ये निकालना है. तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए, सबसे पहले हमारा टीएन का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज फॉर एनथ टर्म, दैट इज ए प्लस एन माइनस 1 इनटू डी होता है. जितनी भी टर्म्स हैं उसमें से 1 माइनस कर देंगे और ए प्लस कर देंगे उसमें. तो ए क्या हुआ हमारा, देखिए ए हुआ हमारा फर्स्ट वैल्यू, दैट इज 41, और डी कितना आ गया, 38 में से 41 माइनस कर दिया तो ये कितना आ गया, माइनस का 3, तो डी माइनस 3 हो गया. तो ए की वैल्यू और टीएन, अब हमें टीएन कैसे पता चलेगा, देखिए ये लास्ट वैल्यू है हमारी एपी की, तो ये वैल्यू टीएन टर्म मान लेते हैं हम, एनथ टर्म, टीएन मतलब एनथ टर्म मान लेते हैं. तो a कितना हुआ, a आया हमारा 41 प्लस n, हमें पता नहीं कि कितनी वैल्यूज हैं इस ap में तो उसको हमने n ही मान लिया, और d कितना आया, माइनस 3. अब ध्यान दीजिएगा, पहले आप नेक्स्ट स्टेप में प्लस माइनस माइनस कर लीजिएगा, तो ये आ गया 8 इक्वल्स टू 41 प्लस माइनस माइनस 3 इंटू एन माइनस 1. अब आपको सॉल्व करने में इजी होगा, तो माइनस का 3n प्लस का 3, तो अब देखिए 3n मैं इधर ला रही हूँ और ये 8 उधर लेके जा रही हूँ, तो ये आ गया 3n इक्वल्स टू 41 प्लस 3 माइनस का 8, तो ये आ गया 3n कितना, दैट इज 41 में 3 ऐड हुआ, 44 माइनस 8, तो 3n आ गया 36 के इक्वल, और n आ गया हमारा 36 अपॉन 3, दैट इज 12. तो दे हम यहां लिख सकते हैं, देयर आर 12 टर्म इन दिस एपी आंसर. लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 9th. क्वेश्चन नंबर 9th इज, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी? कितनी टर्म्स हैं इस एपी में ये बताना है. तो एपी क्या है हमारा, 8, 15 एंड हाफ, 13 एंड माइनस 47 लास्ट है. तो चलिए करते हैं, हमारी जो वैल्यूज दे रखी थी एपी की वो थी 18, 15 एंड हाफ, 13 डैश 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 माइनस 47 तक थी. तो चलिए अब हम कैसे करेंगे, हमें nth वैल्यू का एपी nth टर्म निकालनी है, कौन सी है, तो उसका फॉर्मूला था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अब nth टर्म क्या हुई हमारी, जो लास्ट वैल्यू थी तो वो थी हमारी माइनस 47. अब a क्या है हमारा, a होता है हमारी फर्स्ट वैल्यू, दैट इज 18 प्लस n, हमें पता नहीं कि कितनी टर्म्स हैं, तो दैट मीन्स n माइनस 1 ही लिख लिया. d कैसे निकालेंगे, ये d इस वैल्यू में से ये माइनस करके निकालेंगे, तो हमने यहाँ d निकाल लिया, दैट मीन्स 15 होल 1 अपॉन 2 में से हमने 18 माइनस कर दिया. तो कैसे करेंगे, देखिए 15 टू जो 30, 30 प्लस 1 इज 31, तो 31 अपॉन 2 माइनस 18 कितना आया, 2 LCM लिया तो ये आया 31 माइनस 18 इंटू 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 31 माइनस 36 अपॉन 2, तो ये आ गया माइनस का 5 अपॉन 2, राइट. तो D की जगह हमने लिख लिया माइनस 5 अपॉन 2. अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ गया, देखिए मैं क्या कर रही हूँ, इस 18 को इधर लेके जा रही हूँ, तो ये आया माइनस 47 माइनस 18 इक्वल्स टू, अब ब्रैकेट्स ओपन कर रही हूँ उसके लिए, माइनस प्लस माइनस, सबसे पहले माइनस आ गया 5 अपॉन 2 इंटू एन माइनस 1.
आप देखिए दोनों माइनस की थी तो आपस में ऐड हो जाएगा, तो ये आ गया माइनस का 65 इक्वल्स टू माइनस 5 अपॉन 2n माइनस माइनस प्लस 5 अपॉन 2। तो ये कितना है माइनस 65 इक्वल्स टू एलसीएम लिया 2, तो ये आया माइनस 5n प्लस 5। अब ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई का हो गया, तो ये आया माइनस 65 इंटू 2 इक्वल्स टू माइनस 5n प्लस 5। तो ये कितना आ गया 65 टू जर्स 130, तो माइनस 130 इक्वल्स टू माइनस 5n प्लस 5। अब ये वाला 5 इधर चला गया, तो ये कितना आ गया माइनस 130 माइनस 5 इक्वल्स टू माइनस 5n। तो ये आया माइनस का 135 इक्वल्स टू माइनस 5n, माइनस माइनस कैंसिल हो गए, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 135 अपॉन 5। तो दैट मींस 5 टू ज 10 एंड 5 सेवन ज 35, 27 आ गया। तो हेंस देयर आर 27 टर्म्स इन दिस एपी, इस एपी में 27 टर्म्स है आंसर।